आदाब साथी, आज मैं आपको DRA Part 4 की वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना आपको बहुत, और बिना टाइम की देरी लगाए मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ और वीडियो शुरू करता हूँ। तो नंबर 61 से हमें आज शुरुआत करनी है। चौथी वीडियो है 80 तक की क्वेश्चन आंसर की वीडियो होगी। उसके बाद Part 5 80 से 81 से 100 तक की, तो 5 वीडियो हो जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 61 पर है क्लेटन नियम। मान लीजिए कि फर्म में एक भागीदार के 1 लाख रुपए का डेबिट है, वह अचानक मर जाता है, तो यह है कानूनी अधिकारियों या अन्य भागीदारों पर उसके ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य है या नहीं। मतलब दो साथ ही मौजूदा नए साझेदार के साथ जल्द से जल्द फर्म पार्टनरशिप भी बनाई जा सकती है। तो यह जो है 1 लाख रुपए का इस पर लोन था, वह अचानक मर गया है, तो उसके ऋण बाध्य है या नहीं। तो साथ ही मौजूदा नए साझेदार जल्द से जल्द फर्म पार्टनरशिप भी बनाई जा सकती है, तो ये बिल्कुल बात सही है। वह अचानक मर जाता है, तो बाकी जो पार्टनर हैं फर्म के नाम पर लोन है, तो वो जो है उसको लोन की अदायगी करेंगे। नंबर 62 है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC बोलते हैं शॉर्ट में। अल्पकालिक ऋणों के साथ किसानों की मदद करने के लिए हैं। KCC जो है मतलब थोड़े जब तक फसल नहीं आ जाती जब तक की मदद के लिए KCC लोन है, अल्पकालिक ऋण के लिए। अगर आप ज़्यादा 1 साल से ऊपर कुछ ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो यह ब्याज दर पड़ जाती है। नंबर 63 पर है एक अनुशासित वसूली एजेंट को प्रतिदिन अपने वसूली प्रयासों की एक डायरी लिखनी चाहिए। बिल्कुल लिखनी चाहिए, इस तरह से रिकॉर्ड में मदद मिलेगी। कैसे कैसे मदद मिलेगी? देनदार के खिलाफ एक सबूत के रूप में वह अचानक चूक करता है, तो सबूत के तौर पर आप जो है उसको देनदार के खिलाफ दिखा सकते हैं। नंबर 2 IT रिकवरी एजेंट को प्रिंसिपल या बैंकों के अपने काम की रिकॉर्ड भेजने में मदद करता है। दोनों बातें सही हैं। नंबर 64 है फंड आधारित ऋण है। कौन कौन सा है? कृषि ऋण, औद्योगिक ऋण, व्यावसायिक ऋण, परियोजना ऋण, खुदरा ऋण, ये सब जो हैं फंड आधारित ऋण हैं। और नंबर 65 है गैर निधि आधारित ऋण। तो गैर निधि आधारित ऋण कौन सा? साख पत्र, बैंक गारंटी, ये जो है गैर आधारित ऋण है। और बिलों की सह स्वीकृति, ये तीनों बिल जो हैं गैर निधि वाले ऋण हैं। नंबर 65 पर आ जाइएगा, यदि बैंक अनुबंध के अनुसार ऐसा करने की अनुमति देता है तो एक रिकवरी एजेंट देनदार को संचार के केवल देनदारों की अनुमति के बाद या उसके प्रधान बैंकों की अनुमति पर रिकॉर्ड कर सकता है। बिल्कुल नंबर ये बात ठीक है। नंबर 66 है वसूली प्रक्रिया में पहला कदम। बिल्कुल, ये वसूली जो है सबसे पहला कदम है इस प्रक्रिया में। और इसका उत्तर हो जाएगा देनदार के साथ संपर्क शुरू करना। वसूली प्रक्रिया का पहला कदम होता है देनदार के साथ, जो संपर्क करना शुरू कर देंगे तो ये पहला कदम हो जाएगा। नंबर 67 है क्रेडिट सीमा क्या है। क्रेडिट सीमा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋण प्रदान करने की बैंक योजना में व्यक्तिगत चुकौती क्षमताओं पर कितना ऋण प्रदान किया जाता है जा सकता है, तो वह आधारित सीमा जिसके आगे ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता ऋण सीमा कहलाती है। नंबर 68 है फैक्टरिंग शब्द का क्या अर्थ है। तो फैक्टरिंग शब्द का अर्थ है यह विभिन्न स्थानों से प्राप्त धन प्राप्त करने के लिए प्राप्त प्रबंधन है, एक मैनेजमेंट है, सीधे एक व्यक्ति से सभी व्यक्तियों की ओर से धन का भुगतान करने के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न तरीकों से धन प्राप्त करने के लिए एक मैनेजमेंट है, इसको फैक्टरिंग बोलते हैं। फैक्टरिंग का एक वित्तीय लेनदेन और एक प्रकार का लेनदान वित्त है, देनदार वित्त है, जिसमें एक व्यक्ति अपने किसी खाते को तीसरे पक्ष को छूट प्रदान करता है, बेचता है। यह व्यवसाय कभी कभी अपनी वर्तमान तत्कालीन नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त संपत्ति का कारक होगा। नंबर 69 है एक NPA खाता, गैर निष्पादित संपत्ति खाता अतीत होता है, तो 90 दिन से अधिक या 90 दिनों के बाद इसमें ध्यान रखें इससे ऊपर जो है खाता NPA हो जाता है। 90 दिन तक NPA नहीं होता, 90 दिन से अधिक है तो आपका खाता NPA बन जाएगा। नंबर 70 है क्रेडिट एजेंसी की भूमिका क्या है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ग्राहक ऋण योग्यता ज्ञान रखने के लिए और यह भी जांचने के लिए ग्राहक के पास नियत समय में वापस
ऋण राशि प्रदान करने की क्षमता क्रेडिट एजेंसी द्वारा जांच की जानी है। नंबर 71 हो जाएगा, इरादतन चूक के मामले में रिकवरी एजेंट को क्या करना चाहिए या उसके पास क्या विकल्प हैं। उत्तर हो जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करें और देनदार विवरण रिकॉर्ड कर सकते हैं जो बैंक को दे बैंक अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 72 हो जाएगा, जब आप बकाया लेने के लिए ग्राहक के स्थान पर जाते हैं और पाते हैं कि वह ग्राहक वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं रह रहा है, किसी अन्य स्थान पर चला गया है, तो रिकवरी एजेंट के रूप में आपके सामने क्या विकल्प हैं, आप क्या करेंगे। नंबर 1, तो उस जगह के मकान मालिक से मिलें और अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में शांति से समझाएं। नंबर 2 है, यदि आवश्यक हो तो मकान मालिक को अपना कार्यरत DR एजेंट पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। नंबर 3, आप कह सकते हैं कि मैं ऋण लेने आया हूँ, यह भी समझाने की कोशिश करें कि देनदार कहाँ गया है। नंबर 4 है, हमेशा मकान मालिक के सामने अनुरोध तरीके में ही रहें, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी बातें सही हैं। चारों बातें जो हैं जो इसमें बताई गई इसी तरीके से आपको जो है बातचीत करनी है उससे, अन्यथा आप मकान मालिक से कुछ नहीं कह सकते। ये चारों बातें ठीक है। 73 है, अब आपने अपने ग्राहक को एक व्यस्त बाजार में देखा है, वह व्यक्ति है जिसने 5 महीने से अधिक के लिए बैंकों को किसी भी देय राशि का भुगतान नहीं किया है, तो आप रिकवरी एजेंट के रूप में क्या करेंगे। आपने अचानक बाजार में उसे देख लिया और उस पर 5 महीने से ऊपर का जो है देय राशि है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर है, आपको उसकी इच्छा करनी चाहिए और उसको नमस्कार करना चाहिए और मीटिंग की नियुक्ति के लिए अनुरोध करना चाहिए। उससे नहीं है तकादम वार्तन के पैसे जमा क्यों नहीं कर रहा, तो उससे आप जो है उसकी पूछेंगे अनुमति, हाँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो वो कहेगा बिल्कुल, तो उसको नमस्कार करना है और उससे मीटिंग के लिए कहना है कि आपसे जो है मुझे मीटिंग करनी है, आप कब टाइम देंगे, इस तरीके से आपको बात करनी है। नंबर 74 है, ये ग्राहक उसका बकाया चुकाने के लिए राजी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। नंबर 1 दुरुपयोग, नंबर 2 धमकी, नंबर 3 गैर चुकौती के परिणाम व्याख्या। तो उत्तर जो है सी सही है, गैर चुकौती के परिणाम की व्याख्या करनी है आपको, बताना है उसको कि आपकी सिविल ख़राब हो जाएगी, आपको जो कहीं से लोन नहीं मिलेगा, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। नंबर 75 है, जब आप वसूली के लिए ग्राहक को पहली बार कॉल करते हैं तो इसके समर्थन में आप तो आप इस क्या करने में आपको समर्थन करते हैं। नंबर है उत्तर है, किस बैंक के लिए ऋण वसूल एजेंट को अपनी पहचान प्रकट करें और केवल वह व्यक्ति उसी नंबर से कॉल करें जो बैंक ने देनदार के साथ साझा किया था। ये द्वारा आ गया है, तो पढ़ लो ध्यान से इसको भी। नंबर 76, पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। उत्तर है, ग्राहक को कॉल करना, उस पर उस नंबर से ही फ़ोन करना जो देनदार द्वारा साझा किया गया है, तो ये पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है। नंबर 77 है, क्रेडिट सीमा क्या है। तो उत्तर है, इसका ऋण की एक योजना में एक पार्टी को कितना अधिकतम ऋण दिया जा सकता है और इस समझ को क्रेडिट सीमा के रूप में समझा जा सकता है, मतलब एक पार्टी को कितना अधिकतम हम लोन दे सकते हैं, तो क्रेडिट सीमा कहलाता है। नंबर 78 है, फ्रिज पर ऋण की गारंटी किस पर दी जाती है। तो फ्रिज पर जो ऋण देते हैं तो उसकी गारंटी यानी कि उसको जो बंधक किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसका उत्तर है दृष्टि बंधन। नंबर 79 है, सावधि ऋण के तहत खरीदे वाहन का स्वामित्व। नंबर 37 दिनों के लिए उधारकर्ता के साथ है। नंबर 2 वाहन शुरू होते उधारकर्ता के पास रहता है, वह इसको उपयोग कर सकता है, लेकिन जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता उसका वाहन का स्थायी स्वामित्व मिलेगा। नंबर 2 सही है, मतलब उसके वाहन उधारकर्ता के पास रहता है, उसको उपयोग कर सकता है और उसके उपयोग से उसकी किस्तें विस्तें आपको जमा करनी है, किस्तें जमा नहीं करेगा तो गाड़ी खींच ली जाती है, तो 2 वाला सही है। नंबर 80 है, देनदार की बकाया राशि को बैंक द्वारा गुप्त बनाए रखना जाना चाहिए और इसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, किस पर आधारित है। तो ये है आचार संहिता का नियम है और बैंकिंग कोड का नियम है कि हमें जो है उसकी राशि जानकारी गुप्त रखनी है और किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है। तो ये 80 हो गए हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।